एक बार देख लो लड़का ही होगा एकदम पक्के लक्षण। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरा चैनल प्रेगनेंसी मॉम में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस प्रेगनेंसी वीडियो में जानेंगे घर में लड़का होने के लक्षण के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला के शरीर में जो हॉर्मोन्स के बहुत उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। साथ में एक गर्भवती महिला जानना चाहती है कि उनके घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की, या फिर उनके घर वालों को भी जानने की जिज्ञासा रहती है कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। दोस्तों आप लोग को पता है कि भारत में लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है। आप लोग भारत में लिंग जांच नहीं करवा सकते, लेकिन ऐसा कुछ उपाय है या फिर लक्षण है जिसके द्वारा आप लोग जान सकते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। और दोस्तों आप लोग को पता है कि भारत में लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है। आप लोग भारत में लिंग जांच नहीं करवा सकते, लेकिन ऐसा कुछ उपाय है या फिर लक्षण है जिसके द्वारा आप लोग जान सकते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। और दोस्तों जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला के शरीर में हॉर्मोन्स के बहुत उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। साथ में एक गर्भवती महिला शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशान रहती है। और दोस्तों इतने में मैं कह देती हूँ कि मेरा चैनल कोई लिंग भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिला का जो जानने की जिज्ञासा है उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ऐसे कुछ अंगों के बारे में बोलूँगी जब घर में लड़का होता है तो उस अंग में एक गर्भवती महिला को दर्द रहता ही है। पहला है पैरों में दर्द। अगर गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को जो राइट हैंड है, ठीक है, और साथ में जो राइट पैर है अगर उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सूजन की समस्या रहती है, ठीक है, सातवें आठवें महीने में, तो माना जाता है कि ये एक घर में लड़का होने का एक संकेत है। दूसरा लक्षण है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। गर्भावस्था का पांचवा, छठा, सातवां, आठवां महीने में अगर एक गर्भवती महिला को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है या फिर पता चलता है तो भी माना जाता है कि ये एक घर में लड़का होने का ही संकेत है। तीसरा लक्षण है कुल्ले में दर्द और कमर में दर्द। गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को सातवें, आठवें और नौवें महीने में अगर एक गर्भवती महिला को रुक रुक के कमर में दर्द रहता है तो भी माना जाता है कि ये एक घर में लड़का होने का ही संकेत है। तो दोस्तों यही था घर में लड़का होने के संकेत के बारे में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो, या फिर आगे कुछ टॉपिक में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस करके ऑल करके रख दीजिएगा ताकि मैं आगे ऐसे प्रेगनेंसी टिप्स लाऊँ तो आप लोग को पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।